और अब बात बहराइच की करते हैं, जहां पर 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव कर दिया गया था, फायरिंग होती है, इस दौरान रामगोपाल मिश्रा को गोलियों से छलनी कर दिया गया। हत्याकांड ऐसा कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। रामगोपाल की मौत के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ा, आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए। हत्यारों ने एनकाउंटर की मांग को लेकर आंदोलन जो है वो यहां पर किया, बवाल बढ़ता गया, लेकिन हिंसा के यहां पर 3 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद भी हालात संभलने लगते हुए नजर जरूर यहां पर आते हैं। हालात संभल रहे हैं वहां पर, लेकिन अभी फिलहाल चौकसी जरूर बरती जा रही है और बहराइच जिले में शांति बरकरार है। लोगों का गुस्सा लेकिन कम नहीं है। लोगों का कहना है कि रामगोपाल मिश्रा के हत्यारों का इलाज किया जाना चाहिए। पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस केस से जुड़ी हुई इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता देते हैं। बहराइच हिंसा को लेकर दरअसल एक खुलासा हुआ है। रामगोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। शरीर में 30 से 35 छर्रों के निशान हैं। गोली मारने से पहले मारपीट की गई है, जबरदस्त तरीके से पीटा गया। बाएं आंख पर धारदार हथियार से हमला किया जाता है। ज्यादा खून बहने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। जिंदा रहते हुए नाखून तक उखाड़ लिए गए थे, इस कदर बर्बरता की गई। मनीष यादव हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिंदा रहते नाखून तक उखाड़ दिए गए और न जाने कितने ही छर्रों के निशान शरीर पर। देखिए, बर्बरता से इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जो हॉस्पिटल की सूत्र है उनके हिसाब से लगभग 35 छर्रे लगे हुए हैं, आंख के नीचे गहरा घाव है जो कि